कि लोग कहेगा कि गुंजन सिंह इधर लिए बोलता है, तो पवन सिंह मेरे दिल में शुरू से ही बसते हैं, उसको कोई निकाल नहीं सकता, चाहे कोई पृथ्वी पे गायक आजीवन रहेंगे, आजीवन रहेंगे बस। अंदर घुस के कट कर लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं होता है तुम्हारी न्यूज़ हो गया। गुंजन भैया गाना बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सारे काम भोजपुरी से आया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे ये कि भोजपुरी में बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है और यूट्यूब खोला तो सिर्फ विवाद और कंट्रोवर्सी ही आ रहा है, तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पब्लिक इस गाने को एक्सेप्ट करेगी? हाँ विवाद अलग जगह पे भाई तो चलते रहे, क्योंकि लॉस हो रहा है इधर, सिंगर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि भैया गाना से ज्यादा विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी गाने को? देखिए विवाद तो चलिए रहा है, सब दिन चलते आया है, ये तो चलते रहेगा, लगता है इसका शिलान्यास कब हुआ था पता नहीं चल रहा है, और अंत कब होगा यह पता नहीं चल। भैया अभी तक बाती चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि भोजपुरी में क्या लाता लाती होगा, लड़ाई होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मैदान में तो पहले होता ऐसा था कि पहले गाना चोरी विवाद कंट्रोवर्सी जतिवाद चलते थे, अब गारा गारी फिर मारा मारी, अब लोकेशन भी तय किया जा रहा है, यानी कि फारा फारी भी होने वाला है, गरिमा भोजपुरी का भैया रहेगा इससे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब भूल रहा है, चल रहा है, भूल दीजिए भैया। एक मेरा सवाल है, पहले बिना इवेंट का गाना खूब चलता था, अब क्या मजबूरी हुआ कि इवेंट करना पड़ा है गाने को चलाने के लिए? पहले तो सीडी खूब चलता था भाई, यूट्यूब और ये डीवीडी खूब चलता था, अब देखा धीरे धीरे जी भैया देखिए यूट्यूब पे आ गया, तो यूट्यूब पे आ गया है, अब सैटेलाइट पर चला गया है जी भैया, तो सब कुछ चल रहा है, अब तक पहला इवेंट कहीं नहीं है भाई, ये तो शुरुआत बा हमारे, अरे सब कुछ करते रहना चाहिए, हमको नहीं लगता था करना चाहिए, लेकिन वो सब काफी नई इवेंटो करे चाहिए, तो चला 30 सेकंड के डांस के लिए 100-200 बार जी जी अच्छी बात है, लिया दिए वो मिक्सी जो कि गर्मी में आप लोग जानते ही हैं कि मेरा लोग के कितना दिक्कत होला, साड़ी पहन के खाना बनाने में, हर काम करे में, तो ये खातिर से डिमांड के लिए है कि वो मिक्सी ला दी, और तनी सारी मिक्सी ले ले आई, तो साथ में पेप्सी ले ले आई, ताकि तुम पी के पेप्सी बिल्कुल ठंडा ठंडा हो, एक लाइन गाना हो जाता है। हाँ कहे ना, अरे कहे परेशान बाड़ू कहा दिल के बतिया, कितनों में चैन न बे चैन पूरा रतिया, कि मुहावा बनैलू धके चूल्हिया पड़े काची, तले ले आई है राजा जी, जब ले ले आई है राजा जी, जब चलावे जाई हटे कसी, कि पिन्हे खाती में कसी या पिए खाती पे पसी। ए मेहमा है किसको बुलाओ इधर, मेहमा क्या बैठा है उनको? बहुत ही अच्छा गाना है भैया, सारे गामा से आया था। मैं बैठ गई अंदर घुस के कट कर लेंगे थोड़ा सा, गुंजन भैया गाना बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सारे काम भोजपुरी से आया है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे ये कि भोजपुरी में बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है और यूट्यूब खोला तो सिर्फ विवाद और कंट्रोवर्सी ही आ रहा है, तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पब्लिक इस गाने को एक्सेप्ट करेगी? हाँ विवाद अलग जगह पे भाई तो चलते रहे, क्योंकि लॉस हो रहा है इधर, सिंगर्स को लॉस हो रहा है, क्योंकि भैया गाना से ज्यादा विवाद चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पब्लिक इसको एक्सेप्ट करेगी गाने को? देखिए विवाद तो चलिए रहा है, सब दिन चलते आया है, ये तो चलते रहेगा, लगता है इसका शिलान्यास कब हुआ था पता नहीं चल रहा है, और अंत कब होगा यह पता नहीं चल। भैया अभी तक बाती चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि भोजपुरी में क्या लाता लाती होगा, लड़ाई होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मैदान में तो पहले होता ऐसा था कि पहले गाना चोरी विवाद कंट्रोवर्सी जतिवाद चलते थे, अब गारा गारी फिर मारा मारी, अब लोकेशन भी तय किया जा रहा है, यानी कि फारा फारी भी होने वाला है, ऐसा गरिमा भोजपुरी का भैया रहेगा इससे? हाँ
ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब रूल है, बुरा बोली चल रहा है, बोलने दीजिए भैया। एक मेरा सवाल है, पहले बिना इवेंट का गाना खूब चलता था, अब क्या मजबूरी हुआ कि इवेंट करना पड़ा है गाने को चलाने के लिए? पहले तो सीडी खूब चलता था भाई, यूट्यूब और ये डीवीडी खूब चलता था, अब देखा धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। जी भैया, देखिए यूट्यूब पे आ गया पूरा मार्केट, तो यूट्यूब पे आ गया है, अब सैटेलाइट चला गया है। जी भैया, सब कुछ चल रहा है, अब तो पहला इवेंट कहीं नहीं है भाई, ये तो शुरुआत बा हमारे, सब कुछ करते रहना चाहिए, हमको नहीं लगता था करना चाहिए, लेकिन वो सब काम में इवेंटो करे चाहिए, तो चला 30 सेकंड के डांस के लिए 200 बार। जी जी जी, अच्छी बात है भैया। महिमा सिंह के साथ काफी आपके दिन के बाद जोड़ी देखी गई है, यानी कि बहुत दिनों से नहीं देखी गई थी, और भाई मैक्सी और बोला और टैक्सी का क्या? हमको थोड़ी पता है, नहीं डाले ये जो है ना, गर्मी में सब जो साड़ी पहनती है, यही साड़ी पहनी, कितना गर्मी लग रहा है, परेशान बाड़ी, टेम्परेचर हाई। कौन है अमित जी? चलो मैक्सी खोज। लेकिन ना एक डिमांड और हो रहा है कि ना औरतों के लिए तो बोल दिया मैक्सी के लिए, पुरुष के लिए भी। क्या उसके लिए? क्या हॉट पैंट उसके लिए अगला गाना बोला जाए ना, बहुत पुरुषों ने बोला तो मैंने ये क्वेश्चन किया। अच्छा था ना, पुरुष जो बोले ला पुरुष पता ना हाँ कि ना। अच्छा सही बात। क्या है कि वो गमछी है ना हम लोग के लिए तो पहले से है, हम लोग तो कुछ पाल के ऐसे घूमने लगते हैं, तो ये सब गांव घर में गमछी चलता है, ये सब पुराना है। स्विमिंग पूल छा तो बन ही गया है ना, अभी तो सब चलिए रहा है, लेकिन बन ही जाएगा। गाने के बीच में भैया आप दोनों भाई का प्यार भी देखने को मिला था, अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जी 2 बजे रात में आपके घर पहुंचे थे, और बहुत ही अच्छा पूरा घर में घूमे, आप लोग बैठे सबसे मिले, कैसा लगा? आते रहेंगे जब भी, उनका घर हम नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है? अरे पवन जी को घर पसंद पड़ा आपका? बहुत पसंद है, अभी भैया का घर बनेगा ही, हो सकता है ही इंटीरियर वाला वहाँ भी काम करेगा। क्या बात है, चलिए कब तक आएगा? बहुत जल्द, लगभग कि बरसात के बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, और तैयारी चल रहा है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। एक साथ पावर स्टार कौन से? बाकी सब सब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लास्ट में जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेगा? क्या कह रहे हैं सब दर्शक लोग, ये सब लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए, सॉन्ग को प्यारा, सारे गानों पे जाइए, हाँ गाना सुनिए, और भी जो अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगे उसका सुनिए, खूब सुनिए, कोई विवाद नहीं, हम लोग का कोई जाति नहीं है, हम लोग कलाकार जाति से, हमारे लिए सभी जाति के लोग सब मेरे घर वाले, बस ये है कि लोग कहेगा कि गुंजन सिंह इधर लिए बोलता है, तो पवन सिंह मेरे दिल में शुरू से ही बसते हैं, उसको कोई निकाल नहीं सकता, चाहे कोई पृथ्वी पे गायक आजीवन रहेंगे, आजीवन रहेंगे, बस कहेगा कि विवाद हो रहा है, ये हो रहा है, अरे तो जो अच्छा गाता है शुरू से हम सुनते आए हैं, उनका हम जब ये बच्चे खेल रहे थे उस समय से उगा रहे हैं, 8 साल से अच्छा लगता है, तो क्या करें, आपको तो दूर दूर तक विवादों से नाते ही नहीं रहा। अब इसमें लोग सोचेगा कि कहेगा कि देखा ये ऐसे बोल रहा है, पवन सिंह का पक्ष ले रहा है, अरे मुझे वो अच्छे लगते हैं मेरे को। सही बात, वैसे भोजपुरी में कौन विवाद करेगा? बहुत धन्यवाद भैया।